पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद पहली बार मुरादाबाद आए मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रोककर भव्य स्वागत किया। रोड शो के दौरान उनके चेहरे पर पहले से अधिक सम्मान मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के विस्तार करने से अब कुछ नहीं होने वाला है, वो विस्तार करें या ना करें, जनता ने उन्हें बदलने का फैसला ले लिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए जनता फैसला ले चुकी है। कोरोना संक्रमण के दौरान भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल रही, उनकी पार्टी के विधायक काम न होने की शिकायतें कर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष के लोगों की कौन सुन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत सारे नेता चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। ओवैसी मांझी अठावले ने भी यूपी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुरादाबाद कांग्रेस का है। अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद पहली बार आने पर यहां के लोगों का प्यार और अधिक मिल रहा है, यहां मुझे हमेशा मोहब्बत मिली है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, अपने मुरादाबाद में आया हूँ। ये मेरा संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि मेरा घर भी है। तो आज राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं ये मानता हूँ कि मुरादाबाद ने मुझे दुआएं दी तब कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो आज मैंने यहाँ हाजिरी लगाई है और मुरादाबाद जिगर मुरादाबादी और नवाब मज्जू खां के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं नवाब मज्जू खां साहब की मज़ार पर आऊँ, चादर चढ़ाऊँ, यहाँ के लोगों की मोहब्बतें कबूल करूँ, तब आगे सफ़र शुरू करूँ। बहुत अच्छी रहेगी, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब बीजेपी के बारे में कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? अभी कल हमारे प्रतापगढ़ में जनता इतना गुस्सा हो गई है कि जनप्रतिनिधियों के साथ हाथापाई पे उतर आई है। जनता जो कह रही है वही कह रही है, वही सच है। राहुल गांधी जी ने कभी कहा था कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तमाम जो भाजपा के नेता हैं जनता उनको दौड़ाएगी, वो मंजर हमारे सामने आ रहे हैं। 22 के चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। नहीं, अभी आवेदन करवाया है कांग्रेस पार्टी ने और अभी सर्वे हो रहा है, आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है हम बहुत जल्द प्रत्याशी घोषित करेंगे। 25 साल में पहली बार इतनी भीड़ जुट रही है, वोट पे जुटेगी? जरूर जुटेगी, हम पूरी मेहनत करेंगे, एक एक आदमी तक जाएंगे। मैंने कहा ना मुरादाबाद मेरा घर है तो अपने घर में कामयाबी तो जरूर मुझे मिलेगी। कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ खड़ी है। आप याद करिए कि सबसे पहले पंजाब से ट्रैक्टर चला करके राहुल जी ने कांग्रेस ने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी एक तरह से, और बीच में जब ये आंदोलन टूट रहा था तो राहुल गांधी जी ने संसद तक ट्रैक्टर चला करके इस आंदोलन को और बड़ा बनाया था। कांग्रेस एक एक किसान के साथ खड़ी है, उनके हर मुद्दे पर साथ खड़ी। जीतने के लिए लड़ेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।